उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाढ़ ग्रस्त रामपुरा विकासखंड क्षेत्र के दौरे को लेकर प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 अगस्त को जनपद जालौन के रामपुरा विकासखंड अंतर्गत पंचल क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर शासन प्रशासन द्वारा राहत के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर 10 अगस्त को जगमनपुर में रामपुरा रोड पर उतरेगा। वहां बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री पंडित परशुराम द्विवेदी महाविद्यालय जगमनपुर में अधिकारियों के साथ बाढ़ पर समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री के जगमनपुर आगमन को लेकर प्रशासन व्यवस्था को लेकर सक्रिय है। आज सोमवार की सुबह से ही जिलाधिकारी जालौन प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार तथा क्षेत्रीय विधायक मूलचंद निरंजन व जनपद के सभी विभागों के छोटे बड़े अधिकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को नियमित रूप से सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए तन्मयता से जुटे हैं। जिलाधिकारी प्रत्येक बिंदु पर विचार कर अधिकारियों को निर्देशित कर रही है। प्रोग्राम है उसको लेकर क्या क्या तैयारी की हैं, किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ बाढ़ से प्रभावित लोगों को जो है राहत सामग्री का वितरण करने के लिए और यहाँ का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद समीक्षा बैठक के माध्यम से कार्यों की समीक्षा भी करेंगे, तो उसके लिए अभी आवश्यक तैयारियाँ चल रही हैं और स्थल विजिट कर रहे हैं कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री को स्थलों का विजिट कराई जा सकती है। जो आपने जो राहत सामग्री और डॉक्टर सब व्यवस्थाएं की, इसमें कितनी टीमें आपकी लगा रखी हैं जनपद में? हमारे यहाँ अभी माधोगढ़ तहसील में जो है लगभग 8 बोट्स लगी हुई हैं, एसटीआरएफ और आर्मी और क्या उसकी एसटीआरएफ और आर्मी और प्राइवेट बोट्स भी कुछ मिला के लगभग 8 बोट लगी हुई हैं और उसमें हमने अलग अलग 4 से लेकर 5 टीमें बनाई हैं और हर टीम का एक रूट बना हुआ है जो प्रत्येक गाँव को विजिट कर रही है। टीम के साथ एक डॉक्टर्स की टीम लगाई गई है जो गांव में जाकर लोगों की यदि कोई प्रॉब्लम है तो उनको सुनकर उन्हें आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई रही है और हम संबंधित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से निरंतर लोगों के संपर्क में हैं कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कंट्रोल रूम के माध्यम से उनका समाधान सुनिश्चित करें। जनपद जालौन की लोकल खबरें देखने के लिए जालौन लाइव टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं।